पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दी है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यही नहीं रुका, बल्कि उसने मरने के बाद भी मुशर्रफ के साथ क्या किया जाना है इसे लेकर भी आदेश दिया। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ को देश से गद्दारी के लिए विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। पूर्व राष्ट्रपति को 2007 में तख्ता पलट और आपातकाल लगाने का दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि अगर मुशर्रफ किन्हीं कारणों से फांसी देने से पहले मर जाते हैं तो उनकी लाश खींचकर इस्लामाबाद के डी चौक यानी डेमोक्रेसी चौक पर लाई जाए और उसे 3 दिन तक वहां लटकाया जाए। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है जब किसी सैन्य शासक को देशद्रोह में फांसी की सजा सुनाई गई है। मुशर्रफ के खिलाफ दिसंबर 2013 में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। 31 मार्च 2014 को उन्हें हटाया गया और मुकदमा शुरू हुआ। मुशर्रफ 2016 में भागकर दुबई चले गए और फिर पाकिस्तान कभी नहीं लौटे। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वक्कार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 17 दिसंबर को दिए 167 पन्नों के आदेश में यह सुनिश्चित करने को कहा है कि हर सूरत में मुशर्रफ को पूरी सजा दी जाए। बता दें कि डी चौक के पास राष्ट्रपति भवन, पीएमओ और सुप्रीम कोर्ट स्थित है। कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन कोर कमांड कमेटी मुशर्रफ के पहरे में तैनात सभी वर्दीधारी अधिकारी भी उसके इस कृत्य में भागीदार माने जाएंगे। पूरे मामले में कोर्ट आरोपी मुशर्रफ को दोषी करार देता है और उन अपराधों के लिए आरोपी को अंतिम सांस तक फंदे पर लटकाया जाए। कोर्ट ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत यह सजा सुनाई है। इसके तहत कोई व्यक्ति संविधान को कुचलने, निलंबित करने का प्रयास करता है या बल प्रयोग कर संविधान के खिलाफ साजिश करता है तो वह देशद्रोह का दोषी माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा हो सकती है। मुशर्रफ की सजा पर नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान सरकार ने कहा, सजा सुनाने वाली पीठ के मुखिया पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वक्कार अहमद सेठ का दिमाग ठीक नहीं है। फैसले में मुशर्रफ की लाश को खींचकर लाने और 3 दिन तक चौराहे पर टांगने की बात जरूर किसी मानसिक विकार के तहत आदेश में लिखी गई। कानून मंत्री फारूक नसीम ने कहा, ऐसी सजा पाकिस्तान की सजा के खिलाफ है। सरकार ने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का जज नहीं हो सकता और इन्हें हटाने के लिए सुप्रीम न्यायिक परिषद के पास अर्जी दी जाएगी। साथ ही इस आदेश के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी।